हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2। ये बेस्ड होगा ऑन डिटरमाइनिंग वेदर द गिवन वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस और नॉट। मीन जो भी वैल्यू गिवन होगा वो गिवन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा, क्या लिखा होगा यहाँ पे, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। जैसे इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, हमने क्वेश्चन अज्यूम कर लिया यहाँ पे, 3x² - 2x - 1 इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है x इज इक्वल टू 1 गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, तो सिंपल है, ये x को रिप्लेस कर देंगे बाई 1, सो यहाँ पे क्या हो जाना है, 3 1² - 2 * 1 - 1। वैल्यू क्या आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड आना चाहिए। अगर राइट हैंड साइड आ रहा है मीन्स जीरो वैल्यू आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 3x² - 2x - 1। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे, x को रिप्लेस कर दिया हमने बाई 1, तो यहाँ पे x के जगह पे 1 वैल्यू पुट किया, 1 का स्क्वायर कर दिया क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है तो ये 1 स्क्वायर होगा, माइनस 2 इंटू एक्स है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा माइनस 1। अब सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर कितना हो जाना है, 1 होगा एंड यहाँ पे 3 है, सो 3 इंटू 1 - 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 1 - 2 - 1 - 3 - 3 हो गया यहाँ पे 3 - 2 - 1, सो -2 - 1 कितना होगा, -3 होगा। ठीक है, एंड 3 - 3 कितना हो जाना है, 0। तो वैल्यू यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो है वही आ रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 क्या है, सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें हम लोग तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, 6x² - x - 2 इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू -1/2 एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू 2/3 है। तो क्वेश्चन में क्या था, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। मतलब ये जो भी वैल्यू गिवन है ये इसका सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो सीधी सी बात है, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे सेम वही मेथड, x को रिप्लेस करेंगे पहले 1/2 से, तो क्या हो जाएगा एट x इज इक्वल टू -1/2, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जो होगा 6 * x² है यहाँ पे, x स्क्वायर को हमने रिप्लेस कर दिया -1/2² - x है यहाँ पे, x के जगह पे वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1/2, फिर यहाँ पे -2 है, ये -2 लिखा हमने। ठीक है, इज इक्वल टू 6 * -1/2² क्या होगा, -1 अगर है कोई भी डिजिट जैसे माइनस में है, -a² है। ठीक है, ये अगर इवन है डिजिट यहाँ पे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा, एंड अगर यही -a³ होता तो यहाँ पे जो भी पावर है वो ऑड में है, ऑड में है तो रिजल्ट किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। ठीक है, तो एक जनरलाइज करके इनको अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, -a² - a^n ठीक है इज इक्वल टू पॉजिटिव कब होगा, व्हेन n इज एन इवन नंबर। ठीक है, n अगर इवन नंबर है तो रिजल्ट यहाँ पे पॉजिटिव होगा, एंड -a² इज इक्वल टू नेगेटिव होगा व्हेन n इज एन ऑड नंबर। समझ में आ रहा है, तो ये एक तरह से फार्मूला का काम करेगा, कंसेप्ट ही है, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन में वापस आते हैं, यहाँ पे पावर क्या है, इवन में है, पावर इवन है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आएगा, सो 1/-1/2² कितना हो जाएगा, 1/4। क्लियर है, 1 का स्क्वायर 1 होगा एंड 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एंड -1² प्लस में हो जाना है तो 1/4 आ गया। माइनस यहाँ पे भी माइनस है और ये भी माइनस में है, तो -(-) क्या होगा, प्लस होगा, प्लस 1/2 - 2। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं, 3 2 6, एक मिनट, यहाँ पे 3 से नहीं कट करेंगे बल्कि 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 3 6 एंड 2 2 4, तो कितना आ गया, 3/2 प्लस ये 1/2 - 2 जो है, इसे अगर सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो कितना आ जाएगा, 2 2 4
माइनस में 4 आएगा, 1 माइनस 4 कितना होगा, माइनस 3 बाई 2 हो जाएगा। इनको इजी बनाना है तो सिंपल आप एलसीएम जैसे लेते हैं वैसे ही करिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है तो इसके भी डिनोमिनेटर में 2 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया आपने, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया 2, और यहाँ पे कितना है 1 माइनस 2 टू ज 4, 1 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 अपॉन 2 प्लस ये 1 माइनस 4 कितना होगा, माइनस 3 अपॉन 2 हो जाना है। ठीक है, एंड माइनस एंड प्लस का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस होगा, सो 3 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2 वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ये भी राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, यहाँ पे ये इक्वेशन के राइट हैंड साइड में 0 था, 0 यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही सेम x इज इक्वल टू 2/3 ये वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो x को रिप्लेस कर देंगे किससे, 2/3 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर, लिख ले रहे हैं पुटिंग या रिप्लेसिंग x, ये सेकेंड वाले के लिए ध्यान रखना, उसके लिए कर रहे हैं रिप्लेसिंग x बाय 2/3 इन गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या गिवन है, 6 एक्स स्क्वायर है, तो 6x² क्या होगा, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे यहाँ पे, ये 6x² है, तो 6 इंटू 2/3 होल स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस 2। ओके, अब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर कितना होगा, 4/9 माइनस 2/3 माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, ये 6 एंड 9 है यहाँ पे, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 टू जा 6, 3 3 जा 9, एंड ये डिनोमिनेटर में 2 भी है एंड 4 भी है, 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे इन दोनों टर्म में, माइनस अगर आपने कॉमन ले लिया तो ये टर्म पॉजिटिव में हो जाएगा, एंड इसका भी डिनोमिनेटर 3 में बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, एंड 2 प्लस 2 3 जा 6 यहाँ पे कितना होगा, 2 3 जा 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सो 8/3 यहाँ पे भी देखिए, 8/3 माइनस 8/3 आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2/3 इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवेन इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ गिवेन इक्वेशन। क्लियर है इतना, अभी कोई डाउट है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जैसे दिया हुआ है यहाँ पे 4, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसको भी चेक करना है, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 2, इज इट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो सिंपल वही x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा, जितना क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ ना, इतना भी आप लोग अगर ढंग से कर लेंगे, इतने में ही आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए भी, अगर आप मेरे साथ भी पढ़ ले रहे हैं तो काफ़ी कुछ हो जाएगा, एंड लास्ट टाइम तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा दूंगा मैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड अगर लेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 4, अब यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं x को बाई रूट 2, सो रिप्लेसिंग x बाई रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे x के प्लेस पे, वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू x से यहाँ पे, तो x के जगह पे रूट 2 पुट करेंगे यहाँ पे हम, माइनस 4, सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 2 हो जाना है, कैसे हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को लिखते हैं हम लोग 2 पावर 1 अपॉन 2, एंड अगर स्क्वायर करते हैं इसका तो यहाँ भी स्क्वायर हो गया, एंड 2 पावर 1 अपॉन 2 इंटू 2 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, रिमेनिंग कितना बचेगा, 2। क्लियर है, सिंपल यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, रूट 2 इंटू रूट 2, यही 2 पावर 1 अपॉन 2 प्लस इंटू 2 पावर 1 अपॉन 2, अगर बेस सेम है यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगा, सो हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मीन्स इसका प्रोडक्ट भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 4, सो 2 प्लस 2 4 होगा, 4 माइनस 4 कितना
फोर माइनस फोर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू रूट टू इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवेन इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग करना चाहेंगे x इज इक्वल टू माइनस टू रूट टू, तो फिर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे x इज इक्वल टू माइनस टू रूट टू इज इट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कैसे, यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे किससे, माइनस टू रूट टू से। ठीक है, फॉर सेकेंड वन यहाँ पे देख लीजिएगा, इसी का जो पार्ट है LHS इज इक्वल टू कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो फिलहाल लाना पड़ेगा। एंड x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो वैल्यू है माइनस टू रूट टू, तो x की जगह पे वैल्यू पुट कर रहे हैं माइनस टू रूट टू होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू माइनस टू रूट टू माइनस फोर इज इक्वल टू, मैंने अभी अभी आपको बताया था कोई भी नेगेटिव इंटीजर है और अगर पावर यहाँ पे इवन में है तो उसका रिजल्ट कैसे आता है, पॉजिटिव में आएगा। तो माइनस वन का स्क्वायर कितना होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एंड टू का स्क्वायर फोर इंटू रूट टू का स्क्वायर कितना होगा, टू हो गया। ठीक है, प्लस ये रूट टू को माइनस टू रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है, सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। एंड रूट टू इंटू रूट टू टू हो जाएगा, एंड टू यहाँ पे भी है तो टू टू सा कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। एंड माइनस फोर यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, सो फोर टू ज़ा एट माइनस माइनस फोर माइनस फोर माइनस एट हो जाएगा, एट माइनस एट जीरो हो जाना है यहाँ पे। सिंपल है, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू रूट टू इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवेन इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ गिवेन इक्वेशन। क्लियर है इतना, अभी कोई डाउट है। जैसे यहाँ पे हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या मैं आपको होमवर्क देता हूँ और इस क्वेश्चन को ट्राई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे वही फाइंड आउट करना है वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। तो क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट थ्री एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू थ्री इज अ सॉल्यूशन और नॉट, एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस टू रूट थ्री। ठीक है, तो फाइंड आउट करना है एक्स इज इक्वल टू थ्री एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस टू रूट थ्री सॉल्यूशन है कि नहीं है इसका। ठीक है, इज इट अ सोल्यूशन और नॉट। तो क्वेश्चन नंबर वन ये हो गया, एंड क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू थर्टीन बाई सिक्स एट एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई सिक्स एंड एक्स इज इक्वल टू फोर बाई थ्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दोनों ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, ठीक है, एंड नया टॉपिक। ठीक है, तो इसी तरीके से साथ में बने रहिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने साथ वालों को आप शेयर करिए, बहुत मज़ा आने वाला है और पूरा सिलेबस मैं डिटेल में कंप्लीट करूँगा, ध्यान रखिएगा ये। और इनमें ये जो क्वेश्चंस मैं होमवर्क में देता हूँ, अगर आपसे नहीं बन पाता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि सर ट्राई किया हुआ था नहीं बन पाया है, आप बता दीजिए तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, और नहीं बताएंगे तो नहीं डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो साथ में बने रहिए ऐसे ही, और सपोर्ट बनाए रखिए, साथ वालों को भी शेयर करिए, जितना घर में मोबाइल है उससे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सब्सक्राइबर भी बढ़वाइए हमारा। ठीक है, तो मोटिवेशन बढ़ेगा कि बच्चे बढ़ रहे हैं तो उसी तरह से मेहनत भी किया जाएगा। ठीक है ना, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।